ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਪਰਾਂ ਤੇ ਮੋਜਾ ਇਹਨੇ ਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਈ ਸੈਪਟ ਐਸ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ जो संस्था है उसमें लगातार चुनावों के बाद एक बार फिर उपकार सिंह अहूजा आज सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। जी हां, उपकार सिंह अहूजा के पास पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे, खास बातचीत। तीसरी बार प्रधान बनने पर सबसे पहले जरा आपको मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी मेंबरों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इस काबिल समझाया कि मैं और आने वाले समय सीसू को प्रतिनिधित्व कर सकूं। और जो हमारे इंडस्ट्री के इशू है, जो हम चाहते हैं कि सीएसीयू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो छोटी स्मॉल मीडियम लार्ज सब तरह की इंडस्ट्री को सर्विस दे और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। प्रधान जी, लगातार तीसरी बार प्रधान बने हैं, तो इस बार तीसरी बार में टर्म में किस तरह का विजन लेके आए हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो पिछला था वो तो ट्रेलर था, असली मूवी तो अब शुरू होगी। जो अगला आने वाला सीसू का टाइम है, वो कोई भी प्रधान रहे, ये बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और वो कहते हैं लीडर की लिगेसी वही होती है कि जब वो छोड़ के जाए तो वो संस्था उससे बेटर चलती रहे। और इसको हम ऐसा बना के जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा खड़ा करके जाएंगे कि आने वाले मतलब सदियों तक जो इंडस्ट्री को की ये सर्विस देता रहेगा। और बहुत हमारे नए वर्टिकल्स हैं, जो तीन चार पिलर ऑलरेडी हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनने जा रहा है, हम ये कोशिश करेंगे कि खास तौर पे जो छोटी हमारी माइक्रो सेक्टर इंडस्ट्री है उनको उनके डोर स्टेप्स में सर्विस दे, उनको कोई क्वालिटी की, उनको कोई प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री छोड़ के जा नहीं सकते। और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि स्किल ऑन व्हील्स एंड सर्विस एट डोर स्टेप। उपकार जी, देखा गया है कि आप लगातार यूथ को, युवा वर्ग को आगे लेके आ रहे थे और बहुत सारी चीजें, एक यूथ विंग भी बना रखा है आपने, यंग एंटरप्रेन्योर्स का एक चीज को भी किया है, उसमें अभी क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जो यंग बिजनेस लीडर फोरम है बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है और समय समय पर जो भी यूथ के रिलेटेड, वो खास तौर पे जो ट्रेनिंग है और उनको डेवलपमेंट है उसके लिए वो काफी उत्सुक रहते हैं। और उनको हम जो कई जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, टाइकून है, उनसे भी मिलवाते रहते हैं ताकि उनका विजन ब्रॉडर हो जी। और मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि किसी एमएनसी के लिए जॉब करने की बजाय अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल बनाओ। सो एक ये उनको हमने विजन दे रखा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोग ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री में। काफी कई लोगों ने हमारे ग्रोथ हिटर प्रोग्राम ज्वाइन किया था, आज भी किसी ने बताया कि मेरी टर्नओवर 4 times हो गई, मेरी टर्नओवर डबल हो गई। तो ये हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे कनाडा अमेरिका जा रहे हैं वो ना जाएं और अपनी फैक्ट्रियां अपने बिजनेस संभालें। उपकार जी, आज का जो आपका एक जो समारोह था उसमें ये भी बात बोली गई कि जो 2 साल की टर्म थी अब उसको बढ़ाकर 10 साल के लिए कर दिया जाए। एक तरफ आप यूथ को आगे लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे। नहीं, देखो, मेरा कोई अपनी कुर्सी, मुझे कोई, मेरे पास और बहुत से काम है और मैं ज्यादा देर बना नहीं रहना चाहता। मगर मैं चाहता हूँ कि जो आने वाला जो हम फ्यूचर है उसके लिए इसको ऐसा सेट करके जाए ताकि इंडस्ट्री की ये सेवा करता रहे, ना कि ऐसे हाथों में चला जाए जो बाद में पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाए या इतने सालों की जो हमारी 30 सालों की मेहनत है संस्था को खड़ा करने में वो बेकार चले। तो आप इशारा कर रहे हैं कि बाकी संस्थाओं में जो है पॉलिटिक्स होती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिक्स होती है, मगर देखो देश में हजारों संस्थाएं हैं, हजारों चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, एसोसिएशन हैं, मगर मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि कई एसोसिएशन जिस पर्पज के लिए बनाई जाती है उससे वो डेविएट हो जाती है, वो चंद हाथों में रह जाती है और उनकी कठपुतली बन जाती है। सर, सीआईसीयू में हमने देखा कि सीआईसीयू एक सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्टर तक ही सीमित रह गई है। इसे आपने जैसे लुधियाना में हौजरी भी है, लुधियाना में जैसे सिलाई मशीन बहुत पिछड़ चुका है, जो कि कभी हमें याद है कि सिलाई मशीन लुधियाना से बनती थी जो आधी दुनिया में राज करती थी, उस तरफ फोकस क्यों नहीं किया जाए? नहीं, देखो, हमारा पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में और इसके अलावा भी आईटी इंडस्ट्री भी कुछ पॉप अप होने लगी है और टेक्सटाइल के बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, पर मगर ये है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए हम जो काम करते हैं, हमारी टोटल जो मेंबरशिप है उसमें 14 तरह की इंडस्ट्री आती है। उसमें मोटा मोटा देखा जाए तो ऑटो कंपोनेंट है, बाइसिकल कंपोनेंट है, सिविंग मशीन है, हैंड टूल्स है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी है, गारमेंट्स है,
सेविंग मशीन आपने बोला जी, तो ऐसे 14 तरह की जो हमारी मेंबरशिप है वो 14 जो हमारा पाई चार्ट है मेंबरशिप सर, तो 14 तरह की इंडस्ट्री में बांटा सर। एक हमें याद है कि आपने एक स्टार्टअप प्रोग्राम भी आप लेके आए थे, आपने 2 करोड़ का फंड भी रखा था, पर उसके बाद एक ही इवेंट हुआ, उसके बाद ना तो वो फंड किसी को रिलीज किया और ना तो कुछ आगे बढ़ा, ऐसा क्यों? देखो ये हम कोशिश करते रहते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं, मगर जो यहाँ पे जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया, मैं ये मानता हूँ। हमने काफी कोशिश की और हमने कुछ लोगों को अवार्ड भी दिए कि अब हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके जल्दी कोई और जैसे गवर्नमेंट के सीड फंड है उनको यूज कर रहे हैं, मगर मैं जो यहाँ हमारे लुधियाना के आसपास के बच्चे हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टअप में बड़ा पोटेंशियल है, और क्योंकि अभी जो स्टार्टअप की बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं होती, अभी किसी ने कोई कंपनी नहीं बनाई है बच्चों ने, या उनको कोई हैंड होल्डिंग चाहिए, हम अपने लेवल पे ट्राई करते रहते हैं, मगर ये एक ऐसा वर्टिकल है जो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मगर आने वाले समय में हम ट्राई करेंगे, सरकार भी पंजाब सरकार भी कोशिश कर रही है, मगर हमने एक नया वर्टिकल शुरू किया है CACU BNG जिसका वो लोगो सामने पड़ा है बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो नेटवर्किंग है उसको हम बढ़ा रहे हैं, और इससे हमारी जो सर्कल में रिटेलर और डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री वो भी हमारे साथ की संभावनाएं बढ़े, हाँ बिजनेस की संभावना बढ़े, नेटवर्किंग बढ़े और हमें अच्छे मूल्य में बढ़िया प्रोडक्ट मिल पाए। धन्यवाद सर। सो ये थे हमारे साथ उपकार सिंह हुजा, जो कि तीसरी बार, जी हाँ लगातार तीसरी बार प्रधान बने हैं CICU के, MSME सेक्टर को फोकस करते हैं और MSME सेक्टर के लिए समय समय बहुत सारी लड़ाई भी लड़ते हैं सरकार के साथ। देखते रहे, बने रहे TV24। धन्यवाद।